हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की गणित की वर्कशीट नंबर 32, जो कि आपकी डेट 2 फरवरी की है। कोण, कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। कोण क्या होता है? दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाते हैं। यानी कि ये देखिए, ये आपकी दो किरण हो गई और इनके मध्य की आकृति ये जो है। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएँ अथवा किरण या रेखाखंड एक दूसरे से मिलती हैं। ये देखिए, दो किरणें हैं, ये B हो गई और ये A हो गई, ये दोनों मिल रही हैं यहाँ पे। तो जहाँ ये मिल रही हैं तो ये क्या बन रहा है? हमारा कोण बन रहा है। और इसको हम इससे दर्शाते हैं चित्र में, ए कोण AOB अथवा BOA है। अब आप देखिए, इसका नाम देना है तो नाम आप कैसे लिख सकते हैं? AOB या फिर BOA। ये जो O है ये आपका बीच में ही आना चाहिए। अब हमारे जो कोण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला कोण है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। सम कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। और फिर वो आपका होता है एक ऋजु कोण। ऋजु कोण जो होता है वो 180 अंश का कोण होता है। ये देखिए, एंगल आपके बना रखे हैं इन्होंने। ये आपका न्यून कोण है, ये आपका सम कोण है, ये आपका अधिक कोण है और ये आपका ऋजु कोण है। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोण के माप दे रखे हैं और कोण के प्रकार दे रखे हैं, आपको मिलाना है। तो 180 को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। 90 डिग्री को हम कहते हैं समकोण। 135 देखिए, ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अब 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कुछ कोणों के माप नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक कोण का आकार प्रकार लिखिए। तो भाई, सबसे पहले है आपका 75। तो देखिए, 75 जो है वो आपका किस में आएगा? 90 से कम है तो न्यून कोण में आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका 75 किस में आएगा? न्यून कोण में आएगा। फिर है आपका 115 आपका आएगा अधिक कोण में, क्योंकि 90 से ज़्यादा है। फिर है आपका 140, तो 140 भी आपका इसी में आएगा। इसके बाद है आपका 20, तो 20 कम है 90 से, तो न्यून कोण में आएगा। फिर है आपका 180, तो 180 आपका क्या है? ऋजु कोण है। उसके बाद है आपका 120, 120 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका अधिक कोण में आएगा 120। फिर है आपका 80, 80 90 से कम है तो ये न्यून कोण में आ जाएगा। ये देखिए 80। इसके बाद है आपका 90, तो 90 आपका क्या होता है? समकोण होता है। तो आप यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, न्यून कोण के अंदर ये कोण है, ऋजु कोण 180, समकोण 90, अधिक कोण में 115, 140 और 120। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी यहाँ कम्प्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।